संसद का शीतकालीन सत्र 4 नवंबर से शुरू हो गया है। इस दौरान बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार के नारे लगाए। इससे पहले सत्र में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक सरगर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए। ये नतीजे उनके लिए उत्साहजनक हैं जो आम लोगों के कल्याण और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए कमिटेड हैं। राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं और सदन में जो भी बिल रखे जाएं उन पर गहन चर्चा हो। आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आए, सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए। वहीं शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। बता दें कि शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान कई अहम बिलों पर चर्चा होगी। इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं।